गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि के दिव्य पर्व चल रहे हैं। नवरात्रि पर माँ दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर दिन माता रानी के दिव्य मंत्र का हम जाप करते हैं, दिव्य उपाय करते हैं। आज के इस वीडियो में नवरात्रि के सातवें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि रूप की पूजा विधि, कथा, मंत्र और उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। माँ कालरात्रि हमेशा अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है और शुभ फल प्रदान करती है, इसलिए माँ का एक नाम शुभकारी भी है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ कालरात्रि अभय वरदान देने के साथ साथ ग्रह बाधा को भी दूर करती है, साथ ही आकस्मिक संकटों से भी मुक्ति दिलाती है। माँ कालरात्रि को काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, मृत्यु, रुद्राणी, चामुंडा, चंडी, रौद्री और घुमोरना देवी के नाम से भी जाना जाता है। माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए माँ को गंगा जल, गंध, पुष्प, अक्षत, पंचामृत और अक्षत से माँ की पूजा की जाती है। इसके अलावा माँ दुर्गा के इसी रूप को गुड़ का भोग भी लगाया जाता है। देवी कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है और इनके श्वास से आग निकलती है। माँ के बाल बड़े और बिखरे हुए हैं और गले में पड़ी माला बिजली की तरह चमकती रहती है। माँ कालरात्रि को आसुरिक शक्तियों का विनाश करने वाला बताया गया है। इसके साथ ही माँ के तीन नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल व गोल हैं। माँ के चार हाथ हैं, जिनमें एक हाथ में खड़ग अर्थात तलवार, दूसरे में लोह अस्त्र, तीसरे हाथ अभय मुद्रा में है और चौथा हाथ वर मुद्रा में है। माँ काली का वाहन गर्दभ अर्थात गदा है, जो समस्त जीव जंतुओं में सबसे ज्यादा परिश्रमी और निर्भय है। माँ इस वाहन पर संसार का विचरण करती है। देवी का यह स्वरूप तमाम रिद्धि सिद्धियों प्रदान करता है। माँ अपने इस रूप में भक्तों को काल से बचाती है, अर्थात जो भक्त माँ के इस रूप की पूजा करता है उसे अकाल मृत्यु भी नहीं होती है। पुराणों में माँ कालरात्रि को सभी सिद्धियों की देवी कहा गया है और इनकी उत्पत्ति दैत्य चंड मुंड के वध के लिए हुई थी। माँ की पूजा करने पर क्रोध पर भी विजय प्राप्त होता है और माँ हर भक्तों की हर मुराद पूरी करती है। सप्तमी की पूजा अन्य दिनों की तरह दिन में ही होती है, लेकिन रात्रि में माँ की पूजा करने का विशेष विधान है। तांत्रिक क्रिया की साधना करने वाले के लिए नवरात्र का सातवां दिन विशेष महत्वपूर्ण है। तंत्र साधना करने वाले मध्य रात्रि में तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं। बताया जाता है कि इस दिन माँ की आंखें खुली रहती हैं। माँ का नाम लेने मात्र से भूत, प्रेत, राक्षस, दानव समेत सभी पेशाचिक शक्तियाँ भाग जाती हैं। इस दिन पूजा करने से साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित होता है। आइए जानते हैं माता रानी की कथा क्या है। एक बहुत बड़ा दानव था, रक्तबीज। उसने देवों और जनमानस को परेशान कर रखा था। उसकी विशेषता ये थी कि जब उसके खून की बूंद यानी कि रक्त धरती पर गिरती थी तो उससे उसका हूबहू वैसा ही नया रूप बन जाता था। फिर सभी देवगण भगवान शिव के पास गए। शिव जी को पता था कि देवी पार्वती ही उसे खत्म कर सकती है। शिव जी ने देवी से अनुरोध किया। इसके बाद माँ ने स्वयं शक्ति संघान किया। माँ पार्वती का चेहरा एकदम भयानक डरावना सा दिखने लगा। फिर जब वो एक हाथ से रक्त बीज को मार रही थी, तभी दूसरे हाथ में एक मिट्टी के पात्र खप्पर से झेल लेती और रक्त को जमीन पर घिरने नहीं देती। इस तरह रक्त बीज को मारने वाला माता पार्वती का ये रूप कालरात्रि कहलाया। माँ दुर्गा की सप्तम शक्ति यानी कि सातवें दिन की शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के सातवें दिन माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। कालरात्रि माँ दुष्टों को, असुरों को मारने वाली स्वशक्ति संघान करने वाली है। इसी एनर्जी को, अंश को आशीर्वाद रूप में माँ हमें माँ भक्तों को प्रदान करती है जो उनकी साधना करता है। आपको इस दिन श्वेत या लाल वस्त्र धारण करके रात्रि में माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। माँ के समक्ष दीपक जलाना चाहिए, उन्हें गुड़ का भोग लगाना चाहिए।
इसके बाद 108 बार मंत्र पढ़ें और एक एक लोंग चढ़ाते जाएं। यह मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब उस 108 लोंग को इकट्ठा करके अग्नि में डाल दें। आपके जितने भी विरोधी हैं और शत्रु हैं वह सब शांत हो जाएंगे। आइए जानते हैं इस दिन आपको क्या पूजा विधि करनी चाहिए। नवरात्रि के सातवें दिन सुबह में स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर माँ कालरात्रि की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। देवी को अक्षत, धूप, गंध, रात रानी, पुष्प और गुड़ और नैवेद्य आदि विधि पूर्वक अर्पित करें। अब दुर्गा माँ की आरती करें। इसके बाद आपको कुछ न कुछ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, इससे आकस्मिक संकटों से आपकी रक्षा होगी। माँ कालरात्रि की आरती और पूजा के समय अपना सिर खुला नहीं रखना चाहिए। पूजा के समय सिर पर साफ रुमाल आदि रख लें। इसके बाद सप्तमी के दिन आपको विशेष विधि विधान के साथ देवी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। रात्रि में माँ कालरात्रि की स्तुति को कम से कम आपको 108 बार जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। माँ कालरात्रि का बीज मंत्र है क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः। इस मंत्र का भी आपको 108 बार जाप करना चाहिए। हो सके तो अंधकार में इस मंत्र का जाप करें। आइए इस दिन आपको क्या उत्कृष्ट उपाय करने चाहिए। ये उपाय बड़े ही ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि ये उपाय कालरात्रि माता के उपाय हैं और इस दिन ही आपको केवल ये उपाय करना है और निश्चित ही आपको इसका लाभ होने वाला है। आज के दिन अगर आप पूजा करते हैं तो भी आप ये उपाय करें, अगर नहीं करते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आज के दिन आपको दो नींबुओं से उपाय करने हैं। दो नींबुओं में आपको 5 लौंग और 5 लौंग यानी कि 5-5 लौंग दोनों में आपको फंसा देनी है। ध्यान रखें, फूल वाली लौंग ही आपको फंसानी है। इसके बाद माता रानी के बीज मंत्र का आपको जाप करना है, क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः का आपको जाप करना है। उसके बाद आपको ये दोनों नींबू माता रानी के चरणों में आपको रख देना है। अगर आपके यहाँ पर माता दुर्गा की प्रतिमा है, फोटो है, तो उनके सामने भी आप रख सकते हैं। अगले दिन आपको किसी ऐसे व्यक्ति पे आपको नज़र उतारनी है जिसे बार बार आपके घर में नज़र लग जाती है, जो बार बार बीमार हो जाता है, जिसके कोई भी कार्य सफल नहीं हो रहे हैं। आप ऐसे व्यक्ति के ऊपर एक नींबू को 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको 7 बार घुमाना है। उसके बाद उस नींबू को या तो आप चौराहे पर रख करके आ जाए। ध्यान रखें, चौराहे यानी कि चारों तरफ उसका रास्ता होना चाहिए, वहाँ पर उस नींबू को आप रख के आ जाए। अगर आपके आसपास 4 मुंह वाला रास्ता चौराया नहीं है तो आप किसी भी सुनसान जगह पर वो नींबू रख करके आ जाए। दूसरे वाले नींबू को आपको किसी कूड़े वाली जगह पर फेंक देना है। ध्यान रखें, आप ऐसी कूड़े वाली जगह पर आपको फेंकें जहां पर आपका इस नवरात्रि जाना न हो। हो सके तो इस दिन आप माता रानी को नींबू की माला पहनाएं, हो सके तो आप माता रानी को नीले पुष्प भी अर्पण कर सकते हैं। दूसरा उपाय, नवरात्रि में किसी भी दिन माता दुर्गा के मंदिर में जाकर उनके दरवाजे पर लाल रंग का धागा बांध कर आएं। आप किसी भी मंदिर में जाएं और लाल रंग का धागा मंदिर के गेट पर बांध करके आएं। धागा बांधते बांधते अपनी समस्या माता को कहें। ध्यान रखें, बुरी कामना आपको नहीं करनी है, आपको इसका गलत प्रभाव भी पड़ सकता है। आपको सर्व जीव के लिए अच्छा सोचना है तो ही आप ये उपाय करें और इसका चमत्कार बहुत ही अद्भुत और अलौकिक होने वाला है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।